कोरोना वायरस से जंग होली बेरंग। वाकई इस बार की होली पर कोरोना का खौफ जबरदस्त हावी है। होली मिलन कार्यक्रम धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हैं और भीड़भाड़ में जाने से लोग मना कर रहे हैं, बाजारों से रौनक गायब है। ऐसे में होली की हवा या होली का माहौल बन ही नहीं पा रहा। इस बार हवा में होली के रंगों वाली खुमारी नहीं, खौफ है, दहशत है, डर है। कोरोना से बचे तो लाखों पाए जैसा भाव है, अभाव है तो होली पर हुड़दंग करने वाले कार्यक्रमों की। प्रधानमंत्री कह चुके हैं होली मिलन नहीं करूंगा। योगी कह चुके हैं इस बार होली में हम जोली नहीं बनूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं घर में ही रहूंगा, आप लोग भी एहतियात बरतिए। फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद होली तक कोरोना का खौफ थोड़ा थम जाए। नए केसेस नहीं आते तो ऐसा भी हो सकता था, मगर यहां तो हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली में कोरोना का एक नया केस आया जिसे पॉजिटिव पाया गया। अब तक कुल 31 लोग कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अगले हफ्ते मध्य प्रदेश में मशहूर आईफा अवार्ड होना था, उसे स्थगित कर दिया गया है। सीआईएसएफ ने सालाना होने वाला अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। सीआरपीएफ के जिस कार्यक्रम को होना था वो टाल दिया गया है। सिक्किम ने अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों पर रोक लगा दी है। मुगल गार्डन वक्त से पहले ही बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कह रहा है कि भीड़ भाड़ से बचें। ऐसे में होली का जोश कैसे बचता, आप खुद देखिए लोगों की जुबान पर होली की बात है या कोरोना की। लोग आजकल मास्क लगा के आ रहे हैं, दिलों में दहशत बैठी हुई है कोरोना वायरस की। ज्यादातर लोग मास्क लगा रहे हैं, कम से कम पब्लिक आ रही है। तो हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी एडवाइस जारी हुई है, इसलिए अपने आप सुरक्षा रखना जरूरी है। जब यहाँ पहुँचा तो इन्होंने चेकिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चेकिंग होनी चाहिए, मतलब जहाँ ये चेकिंग नहीं होती वहाँ बुरा हाल है। यहाँ चेकिंग हो रही है, हमें कोई पता नहीं है मतलब कितना टाइम लग जाओ चेकिंग के बिना, तो हमें भी भरोसा हो गया कि हम ठीक हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री को एहसास है कि इस विभीषिका को नहीं रोका गया तो ये तबाह कर देगी। इसलिए उन्होंने 5 तारीख को ट्वीट कर कहा था कि कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों ने भीड़ भाड़ से दूर रहने की सलाह दी है, इसीलिए इस साल मैंने किसी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। कोरोना के खतरे से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद एक एक कर बड़े नेताओं ने भी होली मिलन कार्यक्रमों से दूर रहने का फैसला कर लिया। हम भारतीयों के लिए होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन कोरोना वायरस के मद्देनजर मैंने इस साल किसी होली मिलन उत्सव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। मैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और खुद का और परिवार का ख्याल रखने की अपील भी करता हूँ। संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ तो नेताओं को आना ही पड़ेगा, लेकिन वो एहतियात पूरी बरत रहे हैं। मसलन इन्हें देखिए, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जब संसद पहुँचे तो मुंह पर काला मास्क था, हाथ में सैनिटाइजर। वो कोरोना के खिलाफ एक अभियानी मुद्रा में थे और इसी कड़ी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के पास सैनिटाइजर का ऑफर लेकर पहुँच गए। मैडम सैनिटाइजर यूज करें, आप भी थोड़ा सा कर रहे। बात इस नुक्ताचीनी की नहीं है, बात है माहौल की। माहौल में डर तो है, सरकार लगातार अपनी ओर से कोशिशें कर रही हैं, आइसोलेटेड वार्ड बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग हो रही है। यकीन मानिए दौर कुछ ऐसा है कि कोई भी बड़ी शख्सियत आपको ये नहीं कहेगा कि जी भर से होली खेलो, हर कोई यही कह रहा है कि हाथ तक मत मिलाओ। अब जो किस देने वाला सिस्टम है, हाथ मिलाने वाला सिस्टम है, उससे ये नमस्ते। और हमारे यहां मोदी जी ने भी प्रोग्राम रखा तो नमस्ते ट्रंप रखा था, तो अच्छी बात है, नमस्ते करें, हाथ जोड़ करके करें, दूसरों का आदर अदब भी हो जाएगा, सत्कार भी हो जाएगा और आपकी बीमारियों से रक्षा भी हो जाएगी। होली के रंग में भंग तो पड़ ही चुका है, भले ही उसका ज्यादा असर उन शहरों में ना हो जहां से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। आज तक ब्यूरो।